नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल 511 नए कोरोना पॉजिटिव, एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से कोविड टेस्ट समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाएं बाधित। जी हाँ, पहले जहां कोरोना की जांच के लिए रोज 10,000 लोगों की सैंपल हो रही थी, वहीं बुधवार को सिर्फ 2,004 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए। इसमें से 511 लोग पॉजिटिव आए। प्रदेश में 511 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के सक्रिय मामले की संख्या 94,422 को पहुँच गई है। प्रदेश में येलो अलर्ट जारी, 6 फरवरी तक मौसम का बिगड़ा रहेगा हाल, अब तक 125 की मौत। जी हाँ, हिमाचल में 6 फरवरी तक मौसम के खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पोल की ओर से ये जानकारी दी गई है। पोल के अनुसार 3 फरवरी को कई स्थानों पर भारी बारिश और ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि अलर्ट 2 फरवरी के लिए था, लेकिन प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहे। राजधानी शिमला में सुबह से बादल छाए हुए थे, कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के फाये जरूर गिरे, लेकिन शाम होते होते मौसम साफ हो गया था। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग 554 पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। जी हां, कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के 554 पदों को भरने के लिए लिखित छठनी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा शेड्यूल 31 पोस्ट कोड के लिए जारी किया गया है। शिक्षा विभाग JBT और CNV के अंतर जिला तबादलों का कैबिनेट में जाएगा मामला। जी हां, शिक्षक महासंघ की ओर से इस मामले को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के ध्यान में भी लाया गया है। ऐसे में शिक्षकों को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। उधर SMC शिक्षकों के लिए नीति बनाने के मामले को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव, हिमाचल DGP कुंडू बोले बिलासपुर के 38 किलोमीटर बॉर्डर पर तैनात होगी 10 बटालियन। जी हां, बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में DGP संजय कुंडू ने कहा कि पंजाब में 20 फरवरी को 20 चुनाव है। चुनाव प्रभावित करने के लिए शराब, ड्रग्स और नकदी आदि वितरित करने की आशंका रहती है। बॉर्डर एरिया को सील करने के लिए 14 फरवरी से IRB की 10 कंपनियां तैनात की जाएगी। ग्रीष्मकालीन स्कूल हिमाचल 3 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक लगेगी नियमित कक्षाएं, माइक्रो प्लान को दिया अंतिम रूप। जी हां, उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि स्कूल के कमरे की क्षमता अनुसार 50% विद्यार्थियों को ही एक कक्षा में बैठाया जाएगा। शेष विद्यार्थियों की क्लास दूसरे कमरे में लगाई जाएगी। प्रार्थना सभा, खेलकूद सहित एकत्र होने वाली अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। कांगड़ा ज्वालामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्र का आगाज, विश्व कल्याण के लिए 71 ब्राह्मण 9 दिन करेंगे पाठ। जी हां, विश्व विकास शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्र में से 71 पुजारी ब्राह्मण विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए जप पूजा लगातार 9 दिनों तक करेंगे। गुप्त नवरात्र 10 फरवरी तक चलेंगे। ज्वालामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्र का शुभ आरंभ मंदिर अधिकारी तहसीलदार दीनानाथ यादव ने विधिवत पूजा संकल्प व कन्या पूजा से किया। हिमाचल चंबा और लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके जाने रिएक्टर पैमाने पर क्या रही तीव्रता। जी हां, प्रदेश के चंबा और लाहौल स्पीति में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। चंबा जिले में सुबह करीब 11:54 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 2.7 रही और इसका केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर गहराई पर था। वह चलते हैं आज की अगली खबर। कुल्लू में अग्निकांड, मणिकर्ण में आग से 3 मंजिला मकान जला, 50 लाख रुपए का नुकसान। जी, अग्निशमन अधिकारी दुर्गा सिंह ने कहा कि तीनों घटनाओं में करीब 52 लाख का नुकसान हुआ है। कुल्लू जिले में पिछले 3-4 दिन से आग की घटनाएं लगातार हो रही है, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।